हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। तभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं तैयार हो रही हूं। तो तैयार किस लिए हो रही हूं, तो आज हम लोग जा रहे हैं बराबर पहाड़। तो यहां पर इसको मैं खोल दी थी गले में से, अभी तो एक मेरा मंगलसूत्र तो ऐसे ही टूटा हुआ है, नहीं पहनी हूँ। और अभी एक ढोला पहनी थी तो उसको खोल दी थी तो दूसरा पहन ली हूँ। ये भी नाशपाती काट रही हूँ लाडो को खाने के लिए, मांग रही थी खाने के लिए, उसके लिए ले रही थी। ये रेडी हो गया ना, हो गया ना, हो तो 10 बजे ट्रेन है और 9:30 बजे ये बोरत है। तो ये दिन है रविवार का, रविवार के रात के हम लोग 8 बजे निकल रहे हैं और 10 बजे हमारी ट्रेन है। तो अभी हम लोग, मैं सोची, मैं बोली इनको कि कहीं तो मैं गई नहीं हूँ, लहसुन प्याज छोड़ी भी हूँ और कहीं गई भी नहीं हूँ। तो ये वही मैं इनको बोली कि चलिए कहीं, तो ये तो अपना गुप्ता धाम गए थे, तो मैं बोली कि मुझे भी लेकर चलिए कहीं। तो बराबर पहाड़ हम लोग अभी जा रहे हैं, मलमास में राजगीर मेला मतलब गए थे, राजगीर कुंड में स्नान करने के लिए गए थे। तो हम लोग अभी बराबर पहाड़ जा रहे हैं। अभी सावन मतलब कल नाग पंचमी है, कल सोमवार है, कल नाग पंचमी है, तो इसीलिए हम लोग आज जा रहे हैं और आज रात में जल चढ़ाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है, तबीयत ही ठीक नहीं थी इसलिए। चलिए बैठिए, चलो लाडो अंकल खोलिए ना इसको, आ जाओ, तो मैं तो बैठ गई। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ बैठ गए हैं और अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं स्टेशन, ऑटो पर बैठ गए हैं और स्टेशन जा रहे हैं अभी। तो चलिए स्टेशन पहुंच गए हैं, टिकट वगैरह सभी कुछ हम लोग का हो गया है और अभी यहाँ हम लोग को सीट मिल गया है, अच्छे से बैठ गए हैं हम लोग। और कोई भी भीड़ नहीं है, देख भी रहे हैं आप लोग यहाँ पर, हम लोग बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, भीड़ उतना नहीं है। लेकिन जो भी लोग इस बोगी में मतलब इस ट्रेन में मतलब जा रहे हैं अभी के समय में, हम लोग को पता चला जितने भी लोग थे सभी लोग बराबर पहाड़ ही जाने वाले थे, सभी लोग वहीं उतरे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अभी अच्छे से बैठ गए हैं और बच्चे यहाँ पर ढेर सारे हैं दूसरे लोग। तो इन्हीं लोग को देखकर मैं बोल भी रही थी कि मैं, हम पांचों चलने के लिए मैं बोल रही थी कि सुकृति को और मेरे बेटे को सभी को लेकर चलने के लिए, तो लेकर तो नहीं आए। बोले कि नागपंचमी का दिन होगा तो बहुत ही भीड़ होगा इसलिए लेकर तो नहीं आए। तो चलिए आगे देखते हैं। और अभी बैठे हैं यहाँ और सीधे हम लोग पहुँचते हैं मखदुमपुर स्टेशन, वहीं उतरेंगे। तो ये है मखदुमपुर स्टेशन, यहाँ से ही ऑटो पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे बराबर होल्ट। पहुंच गए हैं कहाँ, बराबर होल्ट ना, बराबर पहाड़, मैंने मैंने वही बराबर पहाड़ अब जा रहे हैं। सभी लोग उतर गए हैं बराबर पहाड़ के जंगल में, बराबर पहाड़ के जंगल में। स्नान हो गया, तो यहीं पर स्नान करने का दिया हुआ है। तो यहाँ 2-3 रास्ते हैं जो मुझे तो नहीं ठीक से पता है, लेकिन इनको पता है सभी रास्ते। तो जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर है एक कुआं है और मोटर का सुविधा है, तो वहीं पर सभी लोग स्नान कर लेते हैं बस इसी तरह, और भीगे हुए इसी तरह। बहुत लोग कपड़े चेंज करते हैं लेकिन बहुत लोग इसी तरह चढ़ जाते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर भी स्नान करने का दिया हुआ रहता है तो ऊपर भी फिर कर लेते हैं। तो चलिए अभी स्नान हो गया था, यहाँ अभी चलना शुरू कर दिए हैं, अब पहाड़ चढ़ना शुरू हो गया है। अभी रात के 2:45 बज रहा है। तो रात में ही हम लोग चढ़ रहे हैं और पूरे रास्ता मतलब लाइट की व्यवस्था है, अंधेरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं था, लाइट की व्यवस्था पूरा रास्ता है। बोल बम की नारा है, बाबा एक सहारा है। तो चलते चलते थोड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा सा आराम कर लिए हैं, और आराम करने के बाद सीधा पहुंच गए हैं ऊपर पहाड़ पर। स्नान दोबारा हो गया है। भगवान का
मार के दे राधा देवी जो दर्शन का कमरा से कुमारी ये है अंदर का सीन जहाँ से शंकर भगवान को कैसे सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं वो देखिए। और मेरी यहाँ पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से मैं कर रही थी। तो मैं पूजा का सामान मतलब कपूर दिया रुई वगैरह घी वगैरह सब कुछ मैं लेकर आई थी तो बोल तो रहे थे कि नहीं जलाओ ज़्यादा बोलेगा, तो बोलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन जो सब कुछ मुझे लेकर आई थी सभी को मैं जला दी हूँ। पूजा पाठ हो गया है और सब कुछ होने के बाद अच्छे से हम लोग का हो गया था सभी कुछ। और यहाँ से लोग अभी निकल गए हैं और निकल के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। पूजा पाठ हो गया, स्नान वगैरह सब कुछ हो गया। चलिए चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रात में ही जल चढ़ा रहे हैं क्योंकि सभी लोग तो यही सोच रहे होंगे कि नागपंचमी का दिन है तो बहुत ही भीड़ होगा। तो भीड़ कुछ खास नहीं था, थोड़ा बहुत भीड़ था, थोड़ी बहुत लाइन लगी थी 5-10 मिनट की, तो जो हम लोग अच्छे से हम लोग का हो गया। और यहाँ पर मैं आपको यही दिखा रही थी कि कुछ भी खास भीड़ नहीं है। अंधेरे में भले ही अच्छे से आपको दिखाई ना दे लेकिन कोई खास भीड़ नहीं है। चलो ला दो क्या बड़ा वाला है मैडम। राजीव कुमार दूसरी का दान किए भगवान की मन कामना को पूर्ण करें। राम कुमार को तरफ से 10 रुपया का दान किए हैं भगवान की मन कामना को पूर्ण करें। जय भोलेनाथ की जय। प्रभाता से पटना से ये सेवा का दान आया है भगवान इनकी अनुभूति विद्या के। जय भोलेनाथ की जय। प्रेम कुमार की तरफ से 15 रुपया का दान किए भगवान इनके मनोकामना को पूर्ण करें। तो हम लोग रुके हुए थे कि प्रसाद वगैरह लेके उतरते हैं लेकिन बोले कि नीचे से ही प्रसाद ले लेंगे। तो चलिए अब नीचे हम लोग उतर रहे हैं। तो हम लोग लगभग 4 बजे के लगभग नीचे उतरना शुरू किए थे तो थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे। तो लगभग यहाँ भी भोर हो गए हैं, थोड़ा सा दिन साफ हो गया है तो हम लोग चलना उतरना मतलब शुरू किए हैं। तभी भोर का समय बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ उतरना है? वहाँ वो दूर अभी जाना है। चलो अच्छा।
सबसे बढ़िया रास्ता यही है उतारने के लिए, वो भी ठीक है। कौन पतलगंगा? पतलगंगा नहीं भाजी, पेट में दर्द हो जाता है। चहारे में आराम है वो, लेकिन उतरने में ज्यादा तकलीफ है। एनर्जी स्टोर कर ली लड़को। तो इसी तरह हम लोग बैठ बैठ के उतर रहे थे देखते हुए, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा भी लग रहा था। आराम से जाइए, बम कोई भीड़ नहीं है, सब भीड़ रात में खत्म हो गया। रात में ज्यादा भीड़ था, हम लोग के 2 बजे चढ़ा दिए थे। कोई थे तो यहाँ पर रात का समय था तो मैं आपको तो नहीं दिखा पाई थी, अभी दिन हो गया है तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ कुआं है वहीं पर स्नान वगैरह हुआ था। और अभी सभी का नाश्ते के लिए तो फल भी वितरण हो रहा है, शरबत पानी फल सभी कुछ अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर मैं इनको दे दी हूँ, ये अपना ले लिए हैं, और मैं तो घर जाकर पूजा करूँगी इसलिए मैं नहीं खाऊँगी। तो लाडू भी ले लिए अपना, खाते खाते यहाँ से हम लोग अब निकल चलेंगे। और वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि घर जाकर थोड़ा सा आराम करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।